बहुत अच्छी बहुत अच्छी. फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी ज्यादा एंगेजिंग रही अकॉर्डिंग टू यू? सेकंड हाफ. थर्ड मूवी फर्स्ट सेकंड के कंपेयर में करें तो ये कितना आपके लिए अलग था? ये बेस्ट था. माधुरी और विद्या बालन का परफॉर्मेंस कैसा लगा? एक्सीलेंट एक्सीलेंट. सॉन्ग की बात करें तो वो कैसे लगे आपको? अच्छे थे. और कार्तिक आर्यन की एक्टिंग की बात करें तो उन्होंने इस बार कुछ ज्यादा अलग अंदाज में परफॉर्म किया है, तो उनकी एक्टिंग कैसी लगी आपको और कितनी डिमरी की? बहुत अच्छी बहुत अच्छी. और सर कितना स्टार देना चाहेंगे इस फिल्म को? 4 out of 5. अच्छी मूवी है. सर फिल्म की बात करें तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी ज्यादा एंगेजिंग रही? दोनों सेम है, मतलब दोनों सेम है, कॉमेडी है हॉरर भी है और एक्टिंग परफॉर्मेंस सब अच्छे. माधुरी दीक्षित की केमिस्ट्री कैसी लगी? क्योंकि दोनों अच्छी अच्छी लगी, दोनों लुक वाइज बहुत अच्छे दिखे हैं और कार्तिक भी बहुत स्मार्ट है, अच्छा दिखा होगा. हाँ सॉन्ग अच्छे सॉन्ग अच्छे लगे. जो मंजुली का अमी जो तुम्हारा सॉन्ग है वो बहुत अच्छा है, सुनने में मजा आता है. कितने स्टार देना चाहेंगे आप? 3.5. और ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें? अच्छी मूवी है, ट्विस्ट एंड टर्न है, थोड़े अच्छा मजा आएगा देखने में. हाँ अच्छी है, सब सब गाने वाने सब अच्छे हैं. विद्या बालन और माधुरी दीक्षित की परफॉर्मेंस कैसे लगी आपकी? एक्टिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी उनको भी. कार्तिक आर्यन के बारे में? हाँ वो तो सुपर है. सबसे बेस्ट इस पिक्चर में क्लाइमैक्स है, सुपर. आप ही एवरग्रीन है. तृप्ति डिमरी तो वो तो सुपर मस्त, वो तो है आने वाली कल की स्टार ही है. सॉन्ग्स भी सब अच्छे हैं, सब सब कोई ऐसा नहीं लग रहा कि बोर हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा. अच्छी पिक्चर अच्छी, सबको देखना चाहिए. अच्छी अच्छा है, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा. स्टोरी एंगल भी बहुत अच्छा है. कैसी लगी? सुपर, एकदम सुपर, एकदम ट्विस्ट है मूवीज में, एकदम ट्विस्ट है, एकदम बोलते ना एकदम हट के बनाया हुआ है. क्या बात, काफी अच्छी लगी है. बात करें विद्या बालन और माधुरी दीक्षित, अरे यार कई सालों के बाद देखे हैं इन लोगों को तो, और एकदम मस्त लगी है मुझे. दिवाली पे हर बार भाईजान फिल्म आते थे, इस बार लोग अलग कार्तिक आर्यन और सिंगम भी आ रही है. आपको क्या लगता है इस बार दिवाली पे अच्छा कमाई कर पाएगी? हाँ दोनों करेगी, ऐसा नहीं कि एक को बोलना ये गलत बात है. दोनों सुपर निकलेंगे, सुपर ब्लॉकबस्टर. कितना स्टार देना पसंद करेंगे? मैं तो 5 स्टार देना पसंद करूंगी. वेरी अमेजिंग, वेरी 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 अमेजिंग. एक्चुअली भूलभुलैया 1, 2, 3 ऑल आर माय फेवरेट. मैं हमेशा ये सीरीज देखने आती हूँ. एंड जो इसमें इतना प्यारा ब्यूटीफुल जो मैसेज दिया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. क्योंकि कार्तिक आर्यन के जो डबल रोल है, तो सेकंड वाला रोल जो उनका आया ना, वो बहुत ही अच्छा आया. और जो सोसाइटी के लिए भी जो मतलब मैसेज अच्छा मैंने मूवी दिया, और जो इमोशनल एंडिंग थी वो बहुत अच्छा था. क्योंकि हमेशा जो है वो बहुत ड्रामेटिक एंडिंग होती है, ये वाली एंडिंग बहुत इमोशनल थी. थोड़ा कॉमेडी था, कॉमेडी तो बहुत अच्छा था, कॉमेडी पार्ट एंड द चुटिया वाला मेरा फेवरेट, हमेशा से फेवरेट है वो. तो बहुत अच्छा था, सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की. माधुरी दीक्षित और विद्या बालन भी है, उनकी एक्टिंग कैसी लगी? अमेजिंग डांस और फेवरेट सॉन्ग मुझे तुम्हारा, द आइकॉनिक सॉन्ग, दैट वाज सो 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 परफेक्ट. फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी ज्यादा एंटरटेनिंग लगी आपके अकॉर्डिंग? सेकंड हाफ इज मच बेटर. किसी का कैमियो भी दिखा है इस फिल्म में? एक हल्की सी झलक थी, हमें लगा कि शायद अक्षय कुमार होंगे, बट वो चेंज हो गया. ओके, तो इस फिल्म को कितने स्टार देना पसंद करेंगे? 5 से ज़्यादा होता तो वो भी देते. ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें आप लोग? एक्चुअली जो फिल्म में जो मैसेज दिया है उससे हमें सीखना चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, सबके अलग अलग फीलिंग्स होती है, उसको अच्छे से रिस्पेक्ट करना चाहिए. बहुत अच्छी लगी मुझे तो इसमें, मुझे ज़्यादा तो माधुरी दीक्षित बहुत अच्छी एक्टिंग लगी. और मुझे ना ज़्यादा अच्छा सीन एंड का ही लगा है, जब उसने अपनी स्टोरी बताया तो बहुत इमोशनल भी हो गए थे, लेकिन बहुत कॉमेडी थी. रोल देखने को मिला कार्तिक, हाँ बहुत अच्छा लगा. फॉरन थोड़ा डरी है आप इस फिल्म? नहीं बहुत कॉमेडी थी, हम लोग कभी डरे ही नहीं, बहुत कॉमेडी इतनी ना. बहुत सॉन्ग कैसी लगी आपको? बहुत अच्छे लगे, बहुत. इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहेंगे? 5 on 5. और ऑडियंस गाना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैम. कोई सा गाना आपको याद है, कुछ बताना चाहे उनका? मेरे ढोल ना. लास्ट में कितने स्टार देना चाहेंगे इस फिल्म? 5 on 5. मूवी तो बहुत अच्छी थी, कॉमेडी भी बहुत थी. हॉरर था, डर लगा? हॉरर तो डर बिल्कुल भी नहीं लगा, एकदम नॉर्मली थी. इस फिल्म का सबसे खास क्या लगा कि तीसरा पार्ट है, आप तीनों पार्ट देखे हो, तीनों के अकॉर्डिंग तो मुझे ये ज्यादा हॉरर भी लगी और कॉमेडी भी लगी. माधुरी दीक्षित और विद्या बालन दोनों की तो बहुत अच्छी एक्टिंग, दोनों के डांस तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया. और
और कार्तिक आर्यन का डबल रोल भी देखने को मिला, आपको कितना अच्छा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एक्टिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी थी। तृप्ति डिमरी और कार्तिक आर्यन का केमिस्ट्री कैसा लगा? केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी थी उन दोनों की, क्योंकि साथ में पहली बार किए और दोनों की डांस वगैरह सब कुछ अच्छा था। गाने कैसे लगे इस फिल्म? गाने तो एक नंबर लगे। इस फिल्म को कितने स्टार देना पसंद करेंगे? मैं 5 दूंगी। पहला दिन है, पहला शो है और हमें अच्छी लगी है। मैं अपने बच्चों के साथ में आया हूँ दिवाली के मौके और जी नहीं, दिवाली के मौके पे तो पिक्चर रिलीज होती ही है, दिवाली और ईद तो इस मौके पर फिल्में आती है, लेकिन पिक्चर अच्छी है, आपको देखना चाहिए, फैमिली के साथ देखना चाहिए। कार्तिक की बात करें, इसमें विद्या बालन भी नजर आ रही है, जी माधुरी भी नजर आ रही है। कार्तिक की एक्टिंग अच्छी है, माधुरी जी को तो स्क्रीन टाइम कम है थोड़ा उनके पास, लेकिन विद्या बालन के पास काफ़ी शुरू से थी वो फिल्म में, तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा है और परफॉर्मेंस सभी का अच्छा है एक्चुअली। गाने अच्छे हैं, गाने अच्छे हैं, गाने बहुत अच्छे हैं और वो आप कनेक्ट करते हैं पुरानी सीक्वल से, पहले पुराने से कनेक्ट करते हैं इमीडिएटली आप, और मेरे ख्याल से अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए आप भी देखें। नहीं एक्चुअली हॉरर तो कम ही है, कॉमेडी ज़्यादा है। हॉरर तो ठीक है थोड़ा बहुत, ग्राफिक इफेक्ट्स काफ़ी सारे हैं, वो अच्छे हैं। तृप्ति डिमरी और कार्तिक आर्यन की पहली फिल्म है एक साथ, हाँ तो अच्छा नहीं अच्छी क्या, उनकी केमिस्ट्री ठीक है, उनकी केमिस्ट्री अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक दे विल डू वेल। इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहेंगे सर आप? आई शुड गिव एटलीस्ट 3.5 to 4। नो ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस फिल्म के? ऑडियंस फैमिली के साथ में देख के आइए, आप एंजॉय करिए। बुलबुल है 3, अभी मैं फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट से कंपेयर करूँ तो मेरे को ठीक ठाक लगी है फिल्म, बट अगर मैं पार्ट 2 का कार्तिक आर्यन का परफॉर्मेंस पार्ट 3 में कंपेयर करूँ तो कार्तिक आर्यन पार्ट 3 में फाड़ दिए। क्या बात है, क्योंकि पार्ट 2 में उन्होंने वही एक्टिंग पार्ट 3 में ही की है। पार्ट 2 में जो उनका सस्पेंस में डांस कर आमिर जेट उमर, लोगों ने वो पसंद किया कि यार बंदा डांस अच्छा करता है एक्टिंग, मतलब वो एक्टिंग में थोड़ा मतलब हर पिक्चर में सेम करते हैं, पर यहाँ पे उन्होंने डांस और एक्टिंग दोनों करके दिखाया। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ कौन सी ज़्यादा इंगेजिंग रही? सेकेंड हाफ अच्छी है, क्योंकि फर्स्ट हाफ बहुत बोरिंग बने है, मतलब जबरदस्ती ऑडियंस बैठ के ऐसा हंस रही है, बस मेरे साथ भी ऐसा बोला कि जबरदस्त, क्योंकि राजपाल यादव संजय मिश्रा का उन्होंने फर्स्ट हाफ में यूज ही नहीं किया है ना, मतलब छोटा पंडित जैसे दिखना चाहिए, बस एक सीन में एक अच्छा लगा कि उनको अगरबत्ती इधर लगा के, वो अगरबत्ती बोलते क्या बोलते बता ले, इधर कान पे लगा है तो वो अच्छा लगा कि हाँ देखो इसको फर्स्ट हाफ जैसा बनाया है। कपड़े भी अच्छे लगे राजपाल लगे कि सेकेंड और फर्स्ट में कॉम्बिनेशन बनाया है, ऑरेंज बनियान और वाइट कलर का बॉडी बना दिया है उनको, तो वो अच्छा लगा। उनकी केमिस्ट्री मतलब एक बोले ना दो बहन एक बहन के ऊपर कैट फाइट रहता है ना वैसा बताया, और जिस तरह से इंटरवल के बाद उनका जो गाना था अमीजे टूमर श्रेया घोषल की आवाज़ में मेरे डोलना, मैं बोला ना वो गाना सुन के इतना पीसफुल लगा ना, बोला कि हाँ ये अच्छा काम किया। मैं बोल रहा था पिक्चर में कोई गाना धमका नहीं, पर ये गाना अच्छा लगा जिस तरह से श्रेया घोषल और मेरे डोलना वाला लाइन आता है और लोग डांस करते हैं जिस तरह से, माधुरी तो हमको 90s का फीलिंग दिला दिए और हमारे विद्या बालन ने फर्स्ट पार्ट वाली बुलबुलाए की याद दिला दी, तो मज़ा आ गया देख के, बोला कि हाँ कुछ कुछ जगह पे अनिश बाजवी ने अच्छा मतलब काम किया और अच्छा कैमरा एंगल भी किया, और कैमरा एंगल भी बहुत अच्छा किया था तो वो अच्छा लगा। और अनिश बाजवी को थोड़ा मतलब स्टोरी लाइन पे थोड़ा काम करना चाहिए, कॉमेडी थोड़ा बहुत ही कम है पिक्चर में एज कम्पेयर टू पार्ट 2 में जो कॉमेडी थी, यहाँ पे मतलब पार्ट 2 में आप देखेंगे फुगड़ी वाला था सब कुछ था, यहाँ पे वो सब गायब था मतलब, और फर्स्ट पार्ट मेरे को ऐसा लगा कि अक्षय कुमार का भी कुछ पोस्ट क्रेडिट सीन मालूम आ जाता था तो ऐसा मतलब खुश हो जाते कि यार दिवाली बोनस मिल गया कि यार फोर्थ पार्ट में अक्षय और कार्तिक एक साथ मजा आ जाता, पर ऐसा कुछ दिला ही नहीं। आई थिंक अक्षय करना ही नहीं चाहते बुलबुल है क्योंकि उनको अभी स्त्री मिल गई है और बूट बंगला मिल गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये भी जानना चाहेंगे केमिस्ट्री कैसे लगी कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी की? नहीं मेरे को ना एज कम्पेयर टू क्यारा और कार्तिक की वो केमिस्ट्री सबसे बेस्ट है, मैं तो अनिल भाई बोलूँगा हमने हीरोइन चेंज ही क्यों की है, अब क्यारा को ही रख देते, 11 रहते ना तो जो बेकार रोमांटिक गाने भी अच्छा लगता था, क्योंकि दोनों की केमिस्ट्री ऐसी बनी है। तृप्ति तो मेरे को ऐसा लग रहा मूवी में कुछ काम की नहीं है, बस ऐसी खड़ी है दांत दिखा रही है और कुछ डायलॉग है हाँ हूँ बस यही कर रही है और कुछ नहीं कर रही है, झूठ नहीं बोल रहा कोई भी उनका फैन को बुरा लगा है डोंट माइंड, पर फिल्मी हुई की है ना। अभी क्यारा ने सेकेंड पार्ट में वो एक हॉरर सीन भी किया था याद है कि वो मंजुले का झूठ मूठ की मंजुला बन के ऐसा नाचती है, तो मजा है यहाँ पे तो कुछ ऐसा मिला ही नहीं देखने को मुझे तृप्ति से, सच में वो एनिमल के जोन से बाहर ही नहीं आ रही ऐसा लग रहा है मेरे को तृप्ति। इस फिल्म को कितने स्टार देना पसंद करेंगे? मैं फिल्म को 3.5 स्टार दूंगा क्योंकि स्टोरी लाइन थोड़ी वीक है, सस्पेंस जो बुलबुलिया का जो बना है उसको मैं 5 में से 5 दूंगा, और कार्तिक के परफॉर्मेंस के लिए मैं 10 में से 10 दूंगा बिकॉज यू डिजर्व इट मैन, आपने बताया है कि मैं ये बुलबुलिया भी आगे फ्रेंचाइजी बढ़ाते रहूँगा। बुलबुलिया 3 मुझे अच्छी लगी, एवरेज मूवी है, मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो आई हूँ, सोचो कार्तिक आर्यन के लिए खास एंड ऑब्वियसली वो सीरीज बुलबुलिया की सीरीज देखने के लिए,
जो हम लोग सोच के आए थे मूवी, तो कार्तिक आर्यन वॉज गुड, ही वॉज गुड, लेकिन पूरी मूवी में हम लोग हंस रहे थे, यानी कॉमेडी मूवी ज़्यादा लग रही थी। और अदरवाइज मूवी इज़ वेरी गुड, ऐसा नहीं है काफ़ी अपने डल मोमेंट नहीं लगा। हाँ नहीं, हॉरर थोड़ा बहुत, लाइक जब कार्तिक आर्यन ऐसे हो रहा था हम लोग भी ऐसे हो रहे थे, बिकॉज कहाँ से कुछ आ रहा था तब। अदरवाइज मोर वी वर लाफिंग, वी हैड लाइक गुड लाफ एक्चुअली कैन से, सो दैट वे इट वॉज गुड। फर्स्ट हाफ वॉज लाइक कॉमेडी, मोर ऑफ कॉमेडी, सेकेंड हाफ में ट्विस्ट ज़्यादा हो रहे थे, तो वी वर एंगेज इन दैट कि इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, बिकॉज एज यू नो दोनों स्टार्स जो है उन लोगों का फेस ऑफ होता है, उन लोगों का जो डांस होता है, तो पीपल वर इंटरेस्टेड टू जहाँ कि ये है, तो ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत सारे थे, तो दैट वी वर एंजॉइंग, वी एंजॉयड दैट ऑल दैट पार्ट। विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का जो डांस मूवमेंट कैसा लगा और उनकी एक्टिंग कैसी, केमिस्ट्री कैसी? एक्टिंग तो कुछ बोल नहीं सकते, दे आर लाइक गुरुज ऑफ एक्टिंग, सो दे वर वेरी गुड इन दैट, एंड डांस वॉज टू गुड, डांस हम लोग को सॉन्ग के साथ बहुत अच्छा, बिकॉज वो सॉन्ग जो है आइकॉनिक सॉन्ग है, तो वी एंजॉयड द सॉन्ग एंड द डांस ऑफ बोथ ऑफ दैम, बट वी वर थिंकिंग कि इसका और कुछ होगा, और इनपुट होगा स्टोरी के अंदर, तो ऐसा लग रहा था कि उन लोग खाली सपोर्टिंग स्टार्स बन के रह गए, एक सपोर्टिंग में है। कार्तिक आर्यन ऑब्वियसली वाज़ द मेन कैरेक्टर, और कार्तिक की केमिस्ट्री कैसी? दे आर गुड, दे वर वेरी, बोथ ऑफ देम वेरी गुड, उन लोगों का ज़्यादा वही था, रोमांटिक अच्छा था, उन लोगों का रोमांस अच्छा था। क्या बात है, इस फिल्म को कितने स्टार देना पसंद करेंगे? 3.54। एज कम्पेयर टू पार्ट वन एंड पार्ट टू की बात करूँ तो ये स्टोरी डिसेंट है, मतलब इसकी जो फर्स्ट हाफ है ना वो बहुत स्लो है, तो कंपेयर टू पार्ट वन पार्ट टू ये स्टोरी, मतलब यहाँ की स्टोरी लाइन मुझे थोड़ी स्लो लगी। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ कौन सी ज़्यादा एंगेजिंग? सेकेंड हाफ आपको एंगेजिंग रखेगी, क्योंकि आप बेताब रहोगे मंजुलिका से मिलने के लिए, सेकेंड हाफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन का डबल रोल भी दिखाया गया है, उनकी कैसे? आपने सस्पेंस रिवील कर दिया, मैं नहीं बोलने वाली थी, बट हाँ वो एकदम ही अलग ही ट्विस्ट एंड टर्न दिखाया गया, अनएक्सपेक्टेड था, हमने सोचा नहीं था कि कार्तिक सर ऐसा भी कुछ धमाका दिवाली पे दे सकते हैं, तो इसके लिए ना मैं उनको बोलूँगी कि आपने मतलब हमारा दिल जीत लिया है, ऑडियंस को एकदम बोलते ना आपके खिलाफ, मतलब आपके जो हेटर्स भी थे ना वो भी आपको पसंद करने लगे, आपने वैसा रोल कर दिया है इसमें। विद्या बालन और माधुरी की केमिस्ट्री कैसी लगी? क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था। अनी सर क्यों आपने ऐसा किया, आप दो बड़े स्टार्स को ला रहे हो तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था, उनका सिर्फ एक ही सॉन्ग में उनको साथ में लाया, बाकी के टाइम पर वो लोग अलग अलग ही थे, तो वो मुझे थोड़ा ऐसा लगे और साथ में ला के थोड़ा वॉर दिखाना चाहिए था, तो वो थोड़ा बेटर हो सकता था। और कार्तिक आर्यन की केमिस्ट्री कैसी लगी? नहीं अच्छी लगी मुझे उन दोनों की केमिस्ट्री नहीं पसंद है, ऑनेस्टली मुझे उनकी केमिस्ट्री सिर्फ कृति सैनन के साथ अच्छी लगती है एंड कैरा के साथ अच्छी लगती है, बिकॉज यहाँ पे आप अगर देखो तो एक भी सॉन्ग भी आप देखो आपको पसंद नहीं आएगा, तो आपको केमिस्ट्री कहाँ से पसंद आएगी, सॉन्ग में दम हो तो आपको अच्छा भी लगेगा दोनों की केमिस्ट्री देखने के लिए, बट यहाँ पे सॉन्ग ही इतना है तो केमिस्ट्री की मैं क्या ही बात करूँ, तो तृप्ति के बदले आप कैरा को ही ले लेते साथ वापस से। ऑडियंस को यही बोलूंगी अगर आपको दिवाली पे बड़ा धमाका चाहिए तो आप जाके मंजुलिका से मिल लो, एंड जैसे मैम ने बोला है अभी यहाँ पे कि कार्तिक आर्यन का डबल रोल है, तो हाँ डबल रोल है, बट कैसा है वो मैं नहीं बताऊंगी, आपको खुद ही देखना पड़ेगा। बहुत अच्छी लगी, आई थिंक रोहित शेट्टी ने जिस तरह से पाँच सुपरस्टार्स को साथ में काम करवाया है, राइट, ये बॉलीवुड का जो मल्टी स्टारर एरा था वो एरा वापस आ गया, एंड पांच बड़े एक्टर्स अगर साथ में मिलजुल के, और उनका आपस में जो केमिस्ट्री है, उनका जो वाइब है ना, पांचों बड़े हैं और पांचों बहुत सिक्योर लग रहे हैं, एंड दे डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब, आई थिंक दिस इज बॉलीवुड्स आंसर टू आइदर टॉलीवुड और हॉलीवुड, आई थिंक वी जस्ट अराइव्ड विद दिस मूवी, इट्स ब्रिलियंट। इस फिल्म में अर्जुन कपूर एज अ विलन दिखाए गए हैं, माइंड ब्लोइंग, क्योंकि लोग जहाँ कह रहे थे पांच स्टार को रख दिया और एक विलन को रख, काफी था अर्जुन कपूर, काफी था अर्जुन कपूर, हैज रियली ग्रोन, ही इज लुकिंग अडोरेबल, उनमें वो डर तो दिख ही रहा है, बट आई थिंक ही इज जस्ट वेरी सिक्योर एज एन एक्टर। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी ज्यादा एंगेजिंग रही अकॉर्डिंग टू यू? सेकंड हाफ, दोनों, आई थिंक एज अ फॉर्मेट उसने बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया, फर्स्ट हाफ में पूरा बिल्डअप करके स्टोरी और पूरे प्रॉब्लम्स को ठीक किया, सेकंड हाफ में मालूम था कि अब जाने वाला है, आई थिंक ऑल इन ऑल वी न्यू व्हाट वाज गोना हैपन, बट वी वर जस्ट लुकिंग फॉर, अच्छे थे, ऑल राइट। इस फिल्म को कितने स्टार देना पसंद? 9/10, बहुत अच्छी थी। इस फिल्म में पांच सुपरस्टार दिखाए गए हैं, उनकी एक्टिंग और केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी थी सब एक साथ, लेकिन उनको स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला सबको इंडिविजुअली। सिंगल लेडी भी इस बार दिखाई गई,
सिंगम लेडी भी देखने को मिली, कैसी लगी? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। इस फिल्म की फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ कौन सी ज्यादा एंगेजिंग रही आपकी? सेकेंड हाफ, क्योंकि फर्स्ट हाफ में स्टोरी हुई दिखाया, फिर सेकेंड हाफ में एक्शन और क्या होएगा अभी बताया। क्या बात है, इस फिल्म को कितने स्टार देना पसंद करोगे? 5 out of 5, बहुत अच्छी मूवी थी। 5 superstar देखने को मिले इस फिल्म में, सबकी एक्टिंग क्या? 9 No. Yes, oh, wow. No. So, किसकी एक्टिंग और किसकी केमिस्ट्री देखने को अच्छी लगी आपको? केमिस्ट्री सबसे अच्छी थी सिम्बा और सूर्यवंशी की। क्या? केमिस्ट्री सबसे अच्छी थी सिम्बा और सूर्यवंशी की। क्या बात है। और अजय देवगन की? अजय देवगन की एक्टिंग इज ऑब्वियसली टॉप नॉच। सिंगम लेडी भी देखने को मिली, दीपिका पादुकोण, उनकी भी एक्टिंग अच्छी थी, एक्शन भी उन्होंने अच्छा किया। द पार्ट विच आई लाइक द मोस्ट वॉज अर्जुन कपूर। मतलब वो मूवी के अंदर जितना जैसा उन्होंने पिछले मतलब कुछ टाइम से किया उससे बहुत अच्छा किया था। क्या बात है। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी ज्यादा एंगेजिंग रही अकॉर्डिंग टू यू? सॉरी, सबसे अच्छी मुझे लगी पार्ट 1 सिंगम 1, इट्स द बेस्ट, क्योंकि 2011 में मतलब मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम पे, इतनी अच्छी मूवी बनाना वाज। तो आपने देखा वो फिल्म? हां मैंने देखी है थोड़ा साइड। ओके, सो इस फिल्म में करीना भी है, दीपिका भी है, तो उनकी एक्टिंग कैसी लगी एज अ हीरो? बहुत अच्छी लगी मुझे, उन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम किया है, डायलॉग्स भी अच्छे दिए उन लोगों को, थोड़ा हिस्टोरिकल भी दिखाया गया, क्या माइथोलॉजिकल माइथोलॉजिकल भी दिखाया गया, तो आपको कनेक्ट हुआ? हाँ बहुत अच्छे से कनेक्ट हुआ, मतलब पूरा रामायण एकदम ये कर दिया था, लेकिन आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप रामायण देख रहे हो, आपको लगेगा कि आप कोई मॉडर्न स्टोरी देख रहे हो। आपको लगता है कि बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा कलेक्शन कर पाएगी? या उसने कुछ 300 crore का बजट है उसका, इट विल कैसे भी कुछ भी 500 crore क्रॉस कर लेगी। तो इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहेंगे आप? 4.5। और मैसेज को क्या देना चाहेंगे अपने एज के बच्चों को? रिवेंज इज नॉट द वे ऑफ एवरीथिंग। देखिए हमें तो बहुत अच्छी लगी, आज दिवाली का दिन है, बड़ा दिन है, सुबह 8 बजे का शो देखे, पूरा पैसा वसूल है, और स्टंटबाजी बोलिए, एक्शन बोलिए, कॉमेडी बोलिए, मसाला बोलिए, सब रोहित शेट्टी तो माहिर रही सब चीज़ में, और उसे सब डाला है और पूरा खरा उतरा है। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन से ज़्यादा? फर्स्ट हाफ ज़्यादा अच्छा लगा, सेकंड हाफ में युद्ध ज़्यादा दिखाया, थोड़ा माइथोलॉजी, हाँ थोड़ा माइथोलॉजी, लेकिन माइथोलॉजी जोड़ना भी ज़रूरी था, नहीं तो लोगों को पता किस चलेगा कि उस समय ये ब्रेन था लोगों के पास। अर्जुन कपूर और इतने स्टार थे, जहाँ लोग कह रहे थे इतने स्टार के आगे एक विलन अर्जुन कपूर को रखा गया, कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा था, बट आप देख करा रहे हैं वो स्टेटस का हिसाब से कि वो लोग सुपरस्टार है, ये मिडिल क्लास का स्टार है, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पिक्चर के बाद अर्जुन कपूर का इमेज में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इसने नेगेटिव रोल बहुत अच्छी तरह निभाया। गाने की बात करें तो गाने कैसे लगे? गाना तो बैकग्राउंड से सिंगम सिंगम ही आ रहा था, कोई स्पेशल सॉन्ग तो इसमें है नहीं। इसमें सिंगम लेडी भी दिखाई गई, सिंगम लेडी का रोल बहुत अच्छा। कॉमेडी कैसे लगी? कॉमेडी रणबीर ने अच्छी की, अच्छी कुमार अच्छी की, अच्छी की। क्या बात है। और इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म को जहाँ लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो आप देखने आए और दिवाली के मौके पर आए हो, क्या कह सकते हो, मतलब कैसा कि बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा कलेक्शन कर पाएगी ये पिक्चर? 100% चलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इंटरटेनमेंट और सारा मसाला खजाना भरा हुआ, दूसरा पिक्चर अभी नहीं है। यानी रोहित शेट्टी ने बहुत सोच समझकर प्लान करके इसका डेट लेके और मैक्सिमम एग्जीबिटर के साथ सौदा करके किया है, तो 100% सक्सेस होगी। मेरा तो देखिए दिल भर गया है, 5 में 5 ही दूंगा इसमें, और मज़ा खूब आया। ऑडियंस को कोई मैसेज देना? ऑडियंस को मैसेज ये दूंगा कि इसमें सीखने का भी बहुत है, कई जिन्होंने रामायण नहीं देखी या पिक्चर में या टीवी में, पढ़ने की तो बात छोड़िए, पढ़ाई में तो आती भी नहीं थी, तो उनको कुछ सीख मिलेगी कि ये एक ज़माना वो भी था। वेरी एक्शन पैक्ड, बहुत अच्छा था, बहुत सबने बहुत अच्छा काम किया। ओके सर, स्टार्ट से हम करते हैं, फर्स्ट वॉल सिंगम अगेन देखकर आ रहे हैं आप, कैसे लगी फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने सारे स्टार्स थे। द थिंग इज देव जो रामायण का पूरा स्टोरी लाइन है उन्होंने इस फिल्म में डाला है, मोमेंट्स पर दिखाया है कौन राम है, कौन लक्ष्मण है, कौन सीता माँ है, कैसे उनका हरण हुआ, रावण कौन है, बहुत अच्छा था, पूरा माइथोलॉजी उन्होंने एक फिल्म में डाला है, एंड इतने सारे स्टार्स को एक फिल्म में लाया है, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार, सब है। आई थिंक फर्स्ट हाफ के बाद जो क्लाइमैक्स आया सेकेंड हाफ में वो कंटिन्यू हुआ, तो और पता चला कि क्या हुआ कैसे हुआ, और स्टोरी लाइन वॉज वेरी गुड। एज अ विलन अर्जुन कपूर दिखाए गए हैं इस फिल्म में, तो
उनकी कैरेक्टर और एक्टिंग कैसे लगी आपकी? इट वॉज वेरी सैवेज. उनको ना एकदम एक एनिमल की तरह दिखाया गया. ही इज पागल है, जैसे कि पागल है, कुछ भी कर रहा है सही है. ही इज अ वेरी गुड विलन. बहुत अच्छी एक्टिंग की. सॉन्ग कैसे लगे इस फिल्म का? सॉरी, सॉन्ग सॉन्ग्स भी अच्छे थे. हाँ, डिसेंट. डायरेक्शन वाइज कहें तो बहुत अच्छा किया रोहित शेट्टी ने. बहुत अच्छा किया. क्या बात है. इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहेंगे आप? आई थिंक आउट ऑफ 5 आई वुड गिव इट अ सॉलिड 4.5. और इस फिल्म को कोई मैसेज देना चाहे ऑडियंस को कि दिवाली के मौके पर आइए? क्या दिवाली के मौके पर आइए, आपकी हॉलीडे है, मेरी भी हॉलीडे है, मैं तो देख कर गया. एंड इट्स अ वेरी गुड फिल्म. हमारे वैल्यूज दिखाए गए इंडियन माइथोलॉजी के, रामायण के. इट्स वेरी गुड. सिंघम अगेन मुझे लगी है सिंघम अगेन की तरह. लाइक सिंघम आई थी 2011 में, उसके बाद सिंघम रिटर्न्स आई, उसके बाद सिंघम अगेन आई. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये भी हमारा स्पाइडरमैन है. स्पाइडरमैन कमिंग फॉर होम, स्पाइडरमैन फार फॉर होम, तो वैसा कुछ मल्टीवर्स है अपना सिंघम अगेन का भी. तो देख कर मजा आया सिंघम अगेन. क्या बात है. इस फिल्म में माइथोलॉजिकल भी दिखाए गए हैं जी. कैसा लगा आपको? बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे 2-3 हफ्ते से ना थोड़ा मेंटली हालत ख़राब थी. क्यों थी? क्योंकि मैंने विक्की विद्या का वो वाला वीडियो देखा था. इतनी सर दर्द लगी थी, ऐसा लग रहा था कि मैं अपने कपड़े फाड़ूँ, पागल खाने में जाऊँ, या फिर मैं कुत्ते उठाने वाली गाड़ी आ जाए. बट ये मूवी देख के थोड़ा मेरा दिमाग जगह पे आया है और मूवी सीरियसली अच्छी लगी है. और जो माइथोलॉजी का इन लोगों ने कॉन्टेंट लिया है ना, वो काफ़ी मतलब तगड़ा है. बात करें तो इतने सारे स्टार थे और उन पे भारी पड़ रहा था एक विलन, तो विलन का कैरेक्टर कैसा लगा इतने स्टार के ऊपर भारी? आप जब ये मूवी देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि स्टोरी कहाँ से कनेक्ट है. लाइक अर्जुन कपूर एक्चुअली में है कौन. तो जिस तरह से रोहित शेट्टी सर ने पूरा जो कैरेक्टराइजेशन रहता है ना उसको निभाया, जो ढाला है ना कैमरा एंगल से स्टोरी दिखाने में, वो मज़ा आ गया देखकर. और अर्जुन कपूर की एक्टिंग इसमें निखर कर आई है. लाइक गुंडे में वो मुझे अच्छे लगे थे एक्टिंग में, उसके बाद तो उनकी कोई भी मूवी इतनी कुछ खास याद भी नहीं है. लेडी किलर थी बट वो भी नहीं, इसमें अच्छे लगे अर्जुन कपूर. दिवाली के मौके पे आई है तो क्या लगता है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगी, क्योंकि भूलभुलैया 3 भी आई है, क्रॉस हो रही है दो फिल्में क्रॉस हो रही है. भूलभुलैया का निकलेगा दिवाला और दिवाली यही मनाने वाली है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है भूलभुलैया का कॉन्टेंट हमेशा उतना ही है. उन लोगों ने वही गाने को बूस्ट किया है, आमी जे तुमा या फिर दिल में तू रहती है. अगर सिंघम अगेन की बात करूँ तो इसमें जो उन्होंने गाना डाला है बाजीराव सिंघम वाला, वो थोड़ा नया है. सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, सेट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो देखकर मज़ा आ रहा है. सिंघम अगेन में कई नए एक्टर भी हैं, कई पुराने भी एक्टर हैं. नए एक्टर की बात करें तो दीपिका पादुकोण और टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, ये तीनों आए हैं. तो इन तीनों की केमिस्ट्री और एक्टिंग कैसी लगी आपको? वो जब जब कैमरे पे आते हैं ना, ऐसा लगता है बस देखते ही रहो. खास करके दीपिका पादुकोण, जब दीपिका पादुकोण गाने का शूट कर रही थी ना, शी वॉज प्रेग्नेंट, क्योंकि एक्चुअली मैं वहीं पे था सेट पे, तो प्रेग्नेंट भी थी. और उसके बावजूद भी उस बंदी ने इतना पोटेंशियल डाला है ना, लाइक एक्शन में, इसमें, उसमें. हालांकि बॉडी डबल करता है वो बात सही है, बट इन्होंने भी जो अपना क्लोजअप दिया है, जितना भी मतलब एक्शन किया है ना, हेड्स ऑफ है. उस टाइम पर ऐसा करना बहुत बड़ी बात थी. लोग तो घर से नहीं निकलते, ये मैम शूट कर रही थी, तो बहुत बड़ी बात है. रणबीर सिंह को कुछ सीखना चाहिए उस ठंडी बिरयानी को दीपिका पादुकोण से. क्या बात है सर. लास्टली जानना चाहेंगे इस फिल्म को कितना स्टार देना पड़ेगा? मैं इस मूवी को दूंगा 5 out of 4 stars, क्योंकि यार मज़ा आया मूवी में. ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें? ऑडियंस को मैं यही बोलूँगा, मेरी जरूरत है कम, इसलिए रबीर भाई दम दाने दाने में केसर का दम, और आओ इस दिवाली पर मेरे सिंघम देखने. थैंक यू.